प्रश्न आया है कि प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा 24 घंटे रहता है क्या? रहता है या नहीं रहता है? இருப்பாங்களா இல்லையான்னு கேக்குறாங்க பாபா. 24 மணி நேரம் இருப்பாங்களா இல்லையான்னு கேக்குறாங்க. கேள்வி கேக்குறாங்க. கிருஷ்ணன் வந்து சிவ பாபா இருப்பாங்களா இல்லையா? 24 மணி நேரம் प्रजापिता ब्रह्मा की तन्मय प्रजापिता ब्रह्मा उड़ल है मुकर्रर रथ में शिव बाबा सदा काल रहता है सदाकाल एक तो मुकर्रर रथ गाया हुआ है और एक गाया हुआ है टेम्परेरी रथ. तो टेम्परेरी रथ में सदाकाल रहता है या मुकर्रर रथ में सदाकाल रहता है? हैं? मुकर्रर कहा ही तब कहा जाता है जब सदाकाल रहे. मुकर्रर माने फिक्स है, हट नहीं सकता. बाबा कहते हैं मैं बच्चों में जाकर के नाली सुनाता हूँ, दृष्टि की पावर देता हूं, कोई कमजोर सुनाने वाला, पढ़ाने वाला, संदेश देने वाला कमजोर ब्राह्मण होता है, हिम्मत करता है शिव बाबा का संदेश देने की, ज्ञान सुनाने की, तो मैं उस कमजोर बच्चे में प्रवेश कर जाता हूं. प्रवेश करके नॉलेज की पावर देता हूँ और दृष्टि की पावर देता हूँ. तो जब बच्चों में प्रवेश करता है तो प्रजापिता में भी होता है क्या? है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? अनुवाद करो ना. ஒரு நிமிஷம் பிரஜாபிதா குள்ளே வெளியேறி குழந்தைங்க 108 மணி மாலையில வர்றவங்களுக்குள்ள என்ட்ராங்க. அப்போ வெளியேறி தானே என்ட்ராங்க. 108 மீட்டர் ஹோத்தா ஹே 108 மீட்டர் ஹோத்தா ஹே தோ சர்வவியாபி ஹுவா. அப்போ வந்து சர்வவியாபி அப்படி என்ட்ராயிட்டா சர்வவியாபி ஆயிட்டா கேக்குறாங்க பாபா. ஆமா. एक व्यापी है या सर्वव्यापी है या 108 व्यापी है? अगर एक व्यापी है तो फिर औरों में व्यापी नहीं होना चाहिए. अगर एक व्यापी नहीं है, दो व्यापी है, कृष्ण में आता है कि नहीं? अंतिम जन्म में कृष्ण कड़ती जन्म में कृष्ण की आत्मा में अंतिम जन्म में आता है कि नहीं आता है? आता है. तो दो व्यापी हुआ ना. दो व्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? है दो व्यापी तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता. दो व्यापी सर्वव्यापी आग अच्छा एक टेम्परेरी है माने कृष्ण में टेम्परेरी है
और राम बाप में मुकर्रर है, सदाकाल व्यापी है। राम बाप का सदाकाल व्यापी है। अच्छा, तो सदा क्या, सदाकाल व्यापी है तो फिर 108 में व्यापी नहीं है। माने एक में ही सदाकाल रहता है, लेकिन मुरली में तो बोला बैल पर सदाकाल सवारी तो हो न सके। मुरली है मुरली ले सल पट, लेकिन बैल का पार्ट बजाने वाला कौन है? ब्रह्मा बैल का पार्ट बजाना। ब्रह्मा में अगर सदाकाल सवारी होती तो वो ही मुकर्रर हो जाता। तो बाप मुरली में बताते हैं कि तुम बच्चे ऐसे ही समझो कि मैं सदैव इस तन में विराजमान हूँ, नहीं तो क्या होगा। अगर तुम समझोगे कि कभी विराजमान होता है कभी नहीं होता है, तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये श्रीमत सुनाता है या मनमत सुनाता है? फिर तो मुकर्ररत वाली बात ही बेकार हो जाती है। इसलिए तुम सदैव यही समझो कि मैं तो सदैव इस तन में हूँ ही हूँ। दूसरा प्रश्न है, कंचन काया का अनुभव कब होगा? कंचन काया का अनुभव कंचन काया माना निरोगी काया, निरोगी काया तब बनेगी जब सारी सृष्टि के पांचों तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि, भूमि वायु आकाश, ये पांचों तत्व जिनसे ये शरीर बनता है पावन बन जावे, और पांच पावन, जब ये सारी सृष्टि पावन बने तो पांच तत्व भी पावन होंगे, और सारी सृष्टि में 500-700 करोड़ मनुष्य, 500-700 करोड़ मनुष्य जब तक जीवित हैं तब तक तमो प्रधान वाइब्रेशन फैलावेंगे दुनिया में, तमो प्रधान वातावरण बनावेंगे या सतो प्रधान वाइब्रेशन फैलावेंगे? तमो प्रधान वाइब्रेशन बनते रहेंगे। इसलिए जब तक सारी सृष्टि के सारे मनुष्य मात्र का विनाश न हो जाए साढ़े 4 लाख मनुष्य आत्माओं को छोड़कर, तब तक पांच तत्व सतो प्रधान नहीं बन सकते। इसका मतलब हुआ कि सारी सृष्टि का विनाश होने के बाद हमारी कंचन काया बनेगी, परम धाम से जब हम आत्माएं वापस आवेंगी तो बर्फ के अंदर से दबे हुए हमारे शरीर जो निकलेंगे, वो सात्विक शरीर निकले, अंदर शरम आइस क्यूब सात्विक उड़ला।
इसलिए मुरली में बोला है तुम्हारे शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल बदलेगा। आत्मा को पढ़ते पावरफुल आगे शरीर क्यों सड़ते जाएंगे क्योंकि जो भोजन मिल रहा है पानी मिल रहा है वो भोजन के पांच तत्व वो सब तमो प्रधान होते जा रहे हैं। तमो प्रधान तो तमो प्रधान तत्वों का भोजन दाना पानी होने के कारण शरीर सड़ते ही जावेंगे। तमो प्रधान भोजन तमो प्रधान वातावरण खराब होने से वातावरण वायुमंडल तमो प्रधान बनता जाएगा। तमो प्रधान उस तमो प्रधान वायुमंडल में शरीर सतो प्रधान तमो प्रधान वायुमंडल सतो प्रधान सतो प्रधान इसलिए एटम बम फटेंगे समंदर का पानी खौलेगा वाइल्ड होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में नॉर्थ पोल साउथ पोल में बर्फ के आइस कट्टी मीलों ऊंचे पहाड़ अपने मले वो सब टूट के खंडन खंडन होकर के समुद्र में गिरेंगे समंदर का स्तर ऊंचा हो जाएगा जल स्तर ऊंचा होने से ये दक्षिण भारत तो सारा डूब जाएगा। समंदर के किनारे किनारे पृथ्वी पर जो भी इलाके हैं वो ही नहीं डूबेंगे बल्कि सारी सृष्टि पे जितने भी महाद्वीप हैं महाद्वीप जहाँ विधर्मियों के धर्म स्थापन हुए स्थापना वो भारत के अलावा सब डूब जाएंगे पानी द्वीप इतना ढेर समंदर का पानी जब बॉइल्ड होने लगेगा बॉइल्ड वाटर वाष्प बनेगी भाप बनेगी और कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी उस मूसलाधार बरसात से सारी पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा हो जाएगा। सारा समंदर सारी पृथ्वी सारा भारत बर्फ ही बर्फ बर्फ ही बर्फ उस बर्फ में जो राजयोगी 4.5 लाख आत्माएं होंगी जो स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ करके परम धाम पहुंची होंगी उनके शरीर सुरक्षित सेफ्टी बाकी के सब शरीर सड़के गल के खलास सड़के गल के अपने
पांच तत्वों में मिल जाएंगे। फिर वो ऊपर से आत्माएं जब उतरेंगी नंबर वार तो वो अपने अपने शरीरों में प्रवेश करेंगे और जहाँ जहाँ प्रवेश करेंगे वहाँ की बर्फ हट जाएगी। और उनके शरीरों में स्पंदन आ जाएगा। ये भाई पूछ रहे वो शरीर तो पुरुष स्त्री होगी स्त्री पुरुष होगी करके पूछ रही वो उससे पहले ही हो जाएगा। वो तो आज की दुनिया में भी स्त्री पुरुष बन जाते हैं इंद्रिय स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री बन जाते हैं हार्मोन्स चेंज होने के कारण हार्मोन्स चेंज आगे इंद्रिय तो रुद्रमाला के सारे ही मण के पुरुष बन जाएंगे। रुद्रमाला के मुड़मियान मणि पुरुष भले स्त्री चोला हो स्त्री कूड़ा और विजय माला के सारे ही पुरुष स्त्री बन जाएंगे। भले पुरुष चोला हो दो हजार अठारह में कृष्ण जन्म होगा वो गर्भ से पैदा होगा क्या गर्भ मना शरीरधारी कृष्ण होगा क्या कृष्ण का शरीर सतयुग में होगा सतयुग शरीर का गाय नहीं है आत्मा ने जो पार्ट बजाया है उसका गायन है सतयुग में जो कृष्ण जन्म लेता है उसका शास्त्रों में कोई गायन पूजन यादगार त्योहार नहीं है शास्त्र में महिमे सतयुग में जन्म लेने वाले कृष्ण की आत्मा ने संगम युग में जो पार्ट बजाया है उसका गायन पूजन याद करते हो मना 2018 में कृष्ण वाली आत्मा जैसे अभी प्रवेश करके पार्ट बजाती है वैसे उस समय भी पार्ट बजाएगी परंतु वहाँ कृष्ण वाली आत्मा बच्चे के संस्कार वाली बन जाएगी और राम वाली आत्मा बाप के संस्कार वाली बन जाएगी अभी कृष्ण वाली आत्मा अपने को भगवान बाप समझे बैठी वो अपने को गीता का भगवान समझती है तो राम वाली आत्मा में सवार हो जाती है राम वाली आत्मा को सवार तो अभी उल्टा है उल्टा बैल शंकर पर सवार होता है शंकर मेले सवार और अपने मनमाने आचरण करवाता है जब संपूर्ण सिद्धि हो जाएगी पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा संपन्न रामकृष्ण की आत्माओं का उस समय राम वाली आत्मा बैल के ऊपर सवार हो जाएगी राम वाली आत्मा सवार अभी बैल
इस पर सवार है। अभी उल्टा है, अधूरा पुरुषार्थ, संपन्न पुरुषार्थ हो जाएगा। आपको वो संपूर्ण पुरुषार्थ आगे ही दोनों आत्माएं काम करेंगे। रामवाणी पर्सनालिटी कृष्णवाणी आत्मा बच्चे में स्वीकार कर ली कुछ स्वीकार रामवाली आत्मा को बाप मान ले। रामवाली आत्मा को अपना भगवान बाप का साकार रूप मान ले। अपने साकार रूप तो जो नया संबत शुरू होगा आरंभ आगद संबत एक 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 वो 2036 के बाद जब सत्युग शुरू होगा तब नहीं होगा। स्टार्ट आगद उससे पहले ही हो जाएगा। उसका नाम ही है विकर्माजीत संबत। विकर्माजीत वर्णम चल रहा है, विकर्मों को जीतने वाला संबत। विकर्म विक्ट्री अड़ी वर्णम, तो विकर्मों को विकर्म कौन से संबत से जीतना शुरू हुआ? विकर्म वर्ण्री अड़ा विकर्मों को जीतने का संबत कौन से सन से शुरू हुआ? कब शुरू होगा? विकर्मों को जीतने का संबत, पाप कर्मों को जीत लेने का संबत कब से शुरू होगा? पाप कर्म हो सकता है तब तक विकर्म करती रहती, एक दो साल पहले भी शुरू हो जाए, ज्यादा नहीं होगा, पहले हो सकता है। தமோ பிரதான ஆத்மாக்களும் நம்ம கூட இருப்பாங்க ஓ டைம் மாதாஜி பூத்ரே ஓ தமோ பிரதான ஆத்மா அமாரா சாத் ரஹேங்கே। आप अपने को तमो प्रधान आत्मा क्यों समझ रहे? आप ये समझिए हम सतो प्रधान आत्माओं के साथ रहेंगे। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों आना चाहिए? हमारे कॉम्प्लेक्स में फिर काले सायंत्र वैब्रेशन ना सदव नीले काले सायं अमीर पकड़ वैब्रेशन मोशा सुबह का वाइब्रेशन भी अच्छा है, वो इंपीडियर का वाइब्रेशन भी अच्छा है, लेकिन ईवनिंग शाम का वाइब्रेशन भी अच्छा है, लेकिन दिन में वो वाइब्रेशन खराब हो जाएगा, क्यों करके पूछ रही हूँ मैं। दिन में गर्मी बढ़ती है, ये नजर पदल कोई बंद अधिक मांगू चल रहा है, दिमाग गर्म होता है, अरे ना मंडे वो कहीं सूडा बरसात बरसाने से अच्छे ठीक हो जाएगा, बरसात बरसाने से ठीक हो जाएगा, वो गर्मी करके मल पे ज्ञान बरसात का टाइम है इस संगम इन दान चलिए मल पे कुड़ी संगम दान मल पे संगम
त्रिमूर्ति शिव जयंती वो त्रिमूर्ति कब दुनिया में प्रत्यक्ष हो गया करके पूछते हैं। वही एक ही टाइम है, जब बाप का जन्म होता है तो बाप अकेला जन्म थोड़ी लेता है, बाप किसके साथ जन्म लेता है? बच्चों के साथ। बाप और बच्चों का जन्म इकट्ठा है। बाप का जन्म होता है तो बच्चों का भी जन्म होता है। बाप अकेला नहीं आता इस सृष्टि पर, ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म बाप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता, प्रत्यक्ष बाप का विरुद्ध है फादर शो सन्स, फादर शो सन्स। बच्चों का विरुद्ध है तो कौन पावरफुल है दोनों में? अपन पावरफुल फादर, तो फादर बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा तब प्रत्यक्ष होगा या पहले अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, है जी। प्रत्यक्ष मधुबन कब कार्य होगा करके पूछ रहे हैं। मधुबन कब? हाँ, माउंट आबू राजस्थान में जो है वो माउंट आबू कब खाली होगा करके पूछ रहे हैं। परमधाम कब खाली होगा? परमधाम कब खाली नहीं होता? परमधाम में खाली आ गए। लास्ट आत्मा आती है और पहली आत्मा पहुँचती है। लास्ट आत्मा और आत्मा जैसे परमधाम कब खाली नहीं होता, परमधाम खाली आगे दिल्ली है, ऐसे मधुबन भी कभी खाली नहीं होगा। मधुबन खाली आगे दिल्ली है। लास्ट बी के आत्मा लास्ट बी के आवेगी और फर्स्ट आत्मा फर्स्ट आत्मा नहीं। वो भाई को बार बार वो क्लास में भी डाउट आता है हम कब जाके पहुँचेंगे। वो अभी पहुँच लेकिन परमानेंस नहीं पहुँच पाऊँ। इपे पोंगी अड़ी क्लास अगे पोला मतलब वांग बाबा सुनिंग परमानेंस नहीं। अभी वो घर बनाने के लिए बोल दिया करके, घर बनाने के लिए बोल दिया, रहने के लिए किसी को नहीं बोल दिया परमानेंस। तो घर बना के क्या फायदा बाबा? बस तुम्हारा पैसा फालतू पड़ा हुआ है, कंपनी में डालोगे, इधर उधर बैंकों में डालोगे, इधर धंधे में लगाओगे, सब धंधों में नुकसान होने वाला है, तो पैसा बेकार चला जाएगा। तो जब तक दुनिया है तब तक पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, तो पैसा वहाँ लगाओ ना जहाँ लगातार वृद्धि होती रहे। भाई पूछ रहे वो 4.5 लाख आत्माएं कब सभी साथ में मिलजुलेंगे सब मिलजुलते हैं 4.5 लाख कब मिलजुलते हैं करके पूछ रहे हैं। पहले परमधाम कौन पहुँचेगी? मोदल परमधाम तो यार पोर आगे कौन पहुँचेगी यार पोर पहले पहले परमधाम वासी कौन बनेंगे? इस सृष्टि पर रहते ही रहते परमधाम वासी कौन बन जाएंगे? इस शरीर से इस सृष्टि पर ही रहते रहते परमधाम वासी बन जाएंगे। इस दुनिया की उनको खबर ही नहीं, सुनते हुए न सुनना, देखते हुए न देखना, सदैव परमधाम की याद रहे। माउंट आबू की तपस्या भूमि में बैठे बैठे परमधाम वासी இதுதான் லாஸ்ட் ஜென்மம் இதுக்கு முன்னாடி படி எல்லாமே நம்ம நல்லா தான் இருந்திருக்கோம் இதுதான் மோசமா
ये माता जी पूछ रहे ये सीढ़ी का चित्र है, ये सीढ़ी का चित्र में ऊपर से बहुत अच्छे है लेकिन नीचे ऐसे बहुत खराब हो पड़े, वो ऐसा ही होगा क्या करके पूछ रहे हैं। अरे ऐसे ही दुनिया ऐसी ही तो है, हिंदुस्तान भारतवर्ष ऐसा ही तो है, सत्युग में बहुत अच्छा था, कलयुग के अंत में बहुत बेकार हो गया, बेकार रौरव नरक बन गया, रौरव नरक नीचे दिखाया गया है, है ही भारत के 84 जन्मों की कहानी, भारत 84 जन्मों की 84 सीढ़ियाँ दिखाई गई है, इसलिए 84 पड़ी काटपट्टी बन रही है बन रही बन रही बन रहा है बन रही बनाई बन रही अब कुछ बननी ना है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, जो कुछ ड्रामा में नूद है वो ही हो रहा है और ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, जो होगा कल्याणकारी ड्रामा में सब कल्याण ही कल्याण होगा, शिव बाबा कल्याणकारी, बाबा नन्मेकारी, ये ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, नन्मेकारी, हम आत्माओं का पार्ट कल्याणकारी, हम आत्मा का पार्ट नन्मेकारी, हम बाप के बच्चे हैं, दूसरे धर्म वाले अपने अपने धर्म पिताओं के बच्चे हैं, उनको घाटा हो सकता है, हमको कोई घाटा होने वाला नहीं, हम डायरेक्ट बाप के बच्चे, उन्होंने तो झूठ कह दिया, क्राइस्ट गॉड का बच्चा है, और बाबा आज का वाणी में वो कृष्ण को संदीपन गुरु, उसका वो संदीपन का मतलब संपूर्ण, जो संपूर्ण दीप्त हो, अभी का संदीप जो संपूर्ण दीप्त हो जाए, संपूर्ण रोशनी छोड़े, तो कौन छोड़ता है संपूर्ण रोशनी, संपूर्ण रोशनी छोड़ने वाला कौन है, संपूर्ण दैदीप्यमान होने वाला कौन है, जो पुरुषार्थ करके संपूर्ण दैदीप्यमान हो जाता है, नारायण, तो वही उसका गुरु है, संग माने संपूर्ण, दीपन माने दीप्त होने वाला, दीप्त होने वाला, हाँ, संपूर्ण दीपक की तरह जगने वाला, रोशनी देने वाला, संपूर्ण दीपक, हम सब आत्मा रूपी दीपक है ना, तो नंबर वार है ना, तो उनमें भी कोई 100% दीपक होगा ना, वो ही संपूर्ण दीप्त होने वाला संदीपन गुरु है, ये भाई पूछ रहे राजा क्वालिटी है रानी क्वालिटी है, डिफरेंट क्या है करके पूछ रहे, सूर्यवंशी उसका व्यत्यास पूछ रहे हैं, डिफरेंट क्या, सूर्यवंशी आत्मा है, चंद्रवंशी आत्मा है, राजा है, राजा क्वालिटी आत्मा है, रानी क्वालिटी आत्मा है, इसका डिफरेंस क्या है करके पूछ रहे हैं।
चंद्रवंशी तो जो भी बनते हैं सूर्यवंशियों में कन्वर्ट होते हैं तो वो राजा नहीं बनेंगे, वो रानी बन सकते हैं सूर्यवंशी में आकर। अगर चंद्रवंशियों को राजा बनना है तो वो चंद्रवंशी में ही राजा बन सकते हैं, सूर्यवंशी बनकर के राजा नहीं रहेंगे, रानी बन सकते हैं। रानी जो बीके सब चंद्रवंशी नहीं है, बीके में पता नहीं कौन कौन से धर्म वंश में गिरने वाले हैं। बीके धर्म के लोग बीके में सिर्फ 10% ऐसे हैं जो शुद्ध चंद्रवंशी है, शुद्ध चंद्रवंशी जो विजय माला के दाने विजय माला करेंगे या विजय माला को फॉलो करेंगे, विजय माला को फॉलो कर रहे और சமூகத்தில் जो बीके से आते हैं बाबा सम्मुख होते भी चंद्रवंशी होती है सूर्यवंशी होती करते पूछते हैं। बीके से जो आते हैं उनमें ऐसे भी हैं जो पहले पढ़ाई पढ़ चुके हैं यज्ञ के शुरुआत यज्ञ के आदि में जिन्होंने पढ़ाई पढ़ ली है वो यहाँ आकर के एडवांस ये भाई पूछ रहे हैं जो बच्चा होते हैं वो बाप का सम्मुख आके बैठते हैं, बाप का सम्मुख में पढ़ाई पढ़ने का वक्त सोते हैं वो अलबेलापन होते हैं वो क्यों करके पूछ रहे हैं। माया प्रकोप करती है माया बंद कुंभकर्ण आक्रमण करता है कुंभकर्ण आक्रमण पड़ेगा चल रहा है। बाप के बच्चे तो हैं लेकिन सब धर्मों के बच्चे हैं ना, जितना धर्म पढ़ा रावण संप्रदाय के जो धर्म हैं रावण संप्रदाय उनके बीज नहीं है, अंदर बीज मिलिया हर धर्म के बीज है और धर्म कर योग शक्ति ये भाई का क्वेश्चन ऐसा है बाबा वो योग शक्ति कम होने का कारण सोल कंट्रोल योग शक्ति कम हो जाएगा, ज्यादा पापों का बोझ चढ़ जाता है जब ज्यादा पापों का बोझ चढ़ जाता है तो आत्मा दब जाती है, आत्मा और जब आत्मा दब जाती है देह अभिमानी ज्यादा हो जाती है तो दूसरी दूसरी सोल प्रवेश कर जाती है, मटर सोल प्रवेश वो ज्ञान नहीं सुनने देगी, याद में नहीं बैठने देगी, ईश्वरीय सेवा नहीं करने देगी, दैवी गुण नहीं धारण करने देगी, दैवी गुण धारण पड़ पड़े उड़ोदी ये इसके लिए क्या करना है करके ये भाई पूछो। आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, अमृत वेले बैठ करके खूब पक्का करो मैं स्टार आत्मा हूँ स्टार हूँ स्टार हूँ स्टार हूँ। मदन बाबू आंसर आत्मीय नीले नलिया अमृत वेले एंडे ना आत्मा स्टार 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 कुटना आत्मिक स्थिति पक्की होगी तो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश ही नहीं करेगा, ये आत्मा स्थिति पक्का सूक्ष्म मनुष्य प्रवेश आगे आत्मा ज्यादा सूक्ष्म या सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत आत्मा भूत ज्यादा सूक्ष्म
எது சூக்ஷ்மம்னு கேக்குறாங்க பாபா, ஆத்மா இல்ல பிரேதாத்மா சூக்ஷ்மமா கேக்குறாங்க. ஆத்மா சூக்ஷ்மம் தான் பிரவேஷ் சூக்ஷ்மமாக இருக்கு. छोटी चीज में बड़ी चीज कैसे प्रवेश करे? சின்ன அதன பொருள் வந்து இவ்வளவு பெரிய பொருள் வந்து எப்படி போதுக்க முடியும்னு கேக்குறாங்க. प्रैक्टिस आत्मिक स्थिति की पक्की होगी तो आएंगे ही नहीं. आना प्रैक्टिस पक्का आत्मस्थिति आत्मस्थिति आगे वर्वार झूठा संकल्प आता है, खराब संकल्प आता है, उसको भगाते रहो. आत्म की स्थिति में स्थित होते रहो. आत्म नीले ये है ही राम रावण की लड़ाई. रामन मतलब रावण युद्ध जो रावण ही आत्माएं आक्रमण करेंगी. रावण आत्मा भूत प्रेत आत्मा है, भूत प्रेत आत्मा तो वो ऐसे ही संकल्प खराब लाएंगी. हमें पक्का कर लेना ये हमारा संकल्प नहीं है. ये पराया संकल्प है. चौरासी जन्मों की चढ़ती कला उतरती कला दोनों के संस्कार अभी बढ़ रहे हैं. चौरासी जन्मों की रिकॉर्डिंग शूटिंग रिहर्सल अभी हो रही है. शूटिंग रिहर्सल जब हम श्रीमत के अनुकूल चलते हैं तो 21 जन्मों की शूटिंग करते हैं. श्रीमत का अनुकूल जन्म शूटिंग
और श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, श्रीमत विरुद्ध चाहे संकल्पों से, चाहे वाचा से, चाहे दृष्टि से, चाहे वाइब्रेशन से, जब विपरीत चलते हैं तो 63 जन्मों की शूटिंग करते हैं। शूटिंग माताजी बोल रहे मैं बहुत साइलेंट भी रहता हूँ तो भी वो आता है क्यों करके पूछ रही माताजी बार बार आता है बार बार भगव உடனே ஓட சொல்றாங்க எவ்வளவு ஸ்பீடா வந்தா அவ்வளவு ஸ்பீடா லாபம் இருக்காது अरे यहाँ सेलम के क्लास में 21 लोग बैठे हुए हैं तो 21 जन्मों की शूटिंग करना चाहिए। सेलम कड़े क्लास में उत्तरी सर जन्म की बात ही क्यों याद आती है? बाबा लास्ट टाइम हम आप आए थे तब 16 था। अच्छा हाँ बाबा 21 बंदे अष्टदेव डबल होने हैं ना। हाँ बाबा बिना देवियों के तो अष्टदेव होंगे नहीं, इसलिए 16 बाबा संबंध में कितने साढ़े चार लाख आएंगे नहीं तो नौ लाख आएंगे करके पूछ रहे भाई क्या चौरासी जन्म में बाबा का जोड़े थे वो पूरा 84 जन्म में संबंध कितने जन्म में हो गए करके पूछ रहे हैं बाबा के साथ। साढ़े चार लाख आएंगे नहीं तो 9 लाख आएंगे करके पूछ रहे हैं। 4.5 लाख तो वो है जो अपने शरीर से पुरुषार्थ करते हैं। उनमें 4.5 लाख वो हैं जो भूत प्रेत हैं। उनकी बात क्यों कर रहे हैं? ये 4.5 लाख बापा आधे आधे चंद्रमा के साथ अंधेरे में रहने वाले हैं। चंद्रो अज्ञान अंधकार में रहने वाले हैं 4.5 लाख। 4.5 लाख सूर्य के साथ रहने वाले हैं सितारे नक्षत्र। इसलिए हम कौन है? हम चंद्रमा के साथ रहने वाले हैं। हाँ हम सूर्य के साथ रहने वाले हैं। हम अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, हम बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। चंद्रमा के साथ रहने वाले अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। चंद्रमा तंदे प्रत्यक्ष बाप को तो जानते ही आपको चंद्रमा को प्रत्यक्ष करेंगे ज्यादा से ज्यादा बस चंद्रमा हाँ ब्रह्मा बाबा गीता का साकार भगवान है। ब्रह्मा बाबा गीता और साकार भगवान है। लक्ष्मी नारायण परिवर्तन लक्ष्मी नारायण अपने परिवर्तन पड़ी पोगा परिवर्तन पूछ रही माता जी संगम युग का प्रजापिता जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो बर्फ के अंदर जाने के बिना वो परिवर्तन हो जाते हैं। बिना जाने के बिना कैसे परिवर्तन हो जाएगा? आत्मा ऊपर जाएगी तो शरीर नीचे रहेगा कि नहीं? वो माता जी पूछा लक्ष्मी नारायण का आत्मा भी वो बर्फ में रहते हैं क्या? वो आत्मा परमधाम नहीं जाएगी? अंदर आत्मा परमधाम को पोग तो शरीर उड़ जाएगा क्या? अब शरण में तो परंत पोड़ा शरीर रहेगा ना? शरण में तो आत्मा कहाँ रहेगा? अंदर आइस कटी और
மதஜி இப்ப வந்து பட்டி பண்ணிட்டு சில பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க. அப்ப அவங்க எப்படி வந்து பாபா சொன்னாங்க 4 லட்சம் பேர் சரீரம் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க, 4 பேர் பூத பிரதிக்கிறாங்க, ஆனா சில பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க. அப்ப அவங்க எப்படி ஏ மாதாஜி பூச்சே ஜோ பட்டி கட்டே உஸ்மே தான் 4.5 லட்சம் बट्टी करने का बाद भी मर जाते हैं करके बोलते हैं। बट्टी करने का तो अगला जन्म फिर लेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे। अब मीडम मीडम पुरुषार्थम पड़ रहा है, जन्म लेकर के फिर पुरुषार्थ करेंगे। जन्म मिलते तो मीडम अकाली मौत हुई होगी तो थोड़ा समय सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाएंगे, जन्म ले लेंगे। पंचडे सूक्ष्म शरीर प्रवेश जन्म मिलते जो ज्ञान में आ जाएंगे अगर उनके भक्ति मार्ग के संस्कार खत्म हो गए भक्ति मार्ग संस्कार मार्ग पड़े बड़ी तो ज्ञान में है या अज्ञान में है ज्ञान के लिए ज्ञान में आने के बाद भक्ति के संस्कार खत्म हो जाने चाहिए कि रह जाने चाहिए संस्कार अगर रह गए संस्कार भक्ति मार्ग के तो ज्ञानी की अज्ञानी अज्ञानी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कोई भी एक संस्कार भक्ति मार्ग का अगर 100% के नजदीक पहुंच गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। यार भक्ति मार्ग तड़े 100% पक्त कंडीपा मरण मड़े अगले जन्म में उसका तो क्या नाटक आई करके पूछ रहे भाई। अगला जन्म फिर लेकर के ज्ञान में आएगा, एडवांस लेगा, कंचन काया बनाएगा। मीडम मीडम कंचन जन्म वो पहला पुत्र वो इसमें ऐड हो जाए ऐड हो जाए அப்ப டோட்டலா 4 லட்சம் பேர் மட்டும்தான் பட்டி பண்ணுவாங்க ஏ மாதாஜி பூச்சரை டோட்டல் 4.5 லட்சம் பட்டி கரேகா பூச்சரை ठीक है सिर्फ 4.5 லட்சம் பட்டி கரேகா हां ஏ பூச்சரை 4.5 லட்சம் பூரி பட்டி கரேகா பூரே பக்தி மார்க்க சம்ஸ்கார் खत्म होंगे பக்தி மார்க்க சம்ஸ்காரம் உங்களுக்கு முடிவடைஞ்சது और उनमें प्रवेश करने वालों के भी भक्ति मार्ग के संस्कार खत्म होंगे। उनके प्रवेश आत्मा भक्ति मार्ग के संस्कार में मुड़ी वाली करनी पड़ेगी। ये भाई मधुरई है। मैं 4 बजे को इन्फॉर्म किया था कल शाम को। कितने बजे चलना शुरू किया? हिंदी बार बता क्या बाबा पूछा था कितने बजे वहाँ से चलना शुरू किया? सुबह 8 बजे உடலை வந்து செயல்படுத்துது, இந்த ஆத்மாவுக்கும் மூளைக்கு
நம்ம எல்லா விஷயமும் கேட்கிறோம் பார்க்கறோம் படிக்கிறோம் எல்லாம் பண்றோம், ஆத்மா தான் எல்லாம் பதிவாக இருக்கிறோம். ஆனா வந்து மூளையிலுடைய பங்கு நிறுத்தி அதாவது வந்து எப்படின்னா ஆத்மா இன்பத்தி துன்பத்தி எல்லாமே அனுபவம் போகுதுன்றாங்க. அப்படிங்கும்போது மூளை வந்து எப்படி கேட்கிறாரு ஆத்மா சுக்கு துக்கு அனுபவம் கத்தே ब्रेन तो एक तरह से मशीनरी है, ब्रेन यंत्र मशीनरी को चलाएंगे तो चलेगी, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगी. आत्मा तो स्वयं चालित है, आत्मा तो स्वयं तनक ताने ओडुद. மூளை வந்து ஒரு கவி மாதிரிதான் பாக்குறது வைக்கிறது எல்லாமே வந்து சோழதும் பதிவாதுங்களா? रिकॉर्ड भरा हुआ है, रिकॉर्ड निरंदी कराता मारे पैच पड़ो पैच पड़े उड़ी रहा तृप्तिया अब कुछ ना पड़ा पैच पड़ा उड़ वल कमिया अंदर आत्म உடல் பவர் கொடுக்கும்போது ஆத்மா சக்தியா இருக்கு, உடல் பவர் கம்மியா இருந்தா ஆத்மா சக்தி கம்மியா இருக்கு. வந்து அது மனசுல காரணமா இல்ல வந்து அது எப்படி இருக்கு? கராட்டே கரதே ஓ ஜோ சமயம் பஹு தந்துரஸ்த் ரஹதா ஹூ, ஜோ கராட்டே சோட் தேனே தே இத்னா தந்துரஸ்த் நஹீ பாதா ஹூ. ஓ க்யூ ஆத்மா पर सब संस्कार भरे हुए हैं, कराटे आना ना आना ये शरीर की प्रवृत्ति है. ना शरीर के अंदर कोई यंत्र है, डिफेक्ट आ गया है तो कराटे आते हैं. ஆத்மா வந்து சக்திசாலியானா ஆத்மா சக்திசாலி இஸ்கே ஆத்மா சமஜனா அதனால ஆத்மா ஆத்மிக ஸ்தி மேனா ஆத்மிக நிலையில நிலையாக இருங்கள். ஆத்மிக ஸ்தி ஜித்தனா ஜாதா ரேங்கே ஆத்மிக நிலையில எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறீர்களோ பாப் சஹஜ் யாதா அப்போட ஈஸியான நிலவு உருக்குறது. பாப் சர்வசக்திவான் அப்போ வந்து சர்வசக்தியாக இருக்கிறார்கள். ஆத்மா வி சர்வசக்திவான் சக்தி அதனால ஆத்மா கூட சர்வசக்தியாக ஆயிடுது. தேவான் வேற இருக்கு தேவன் இருந்தால் அனைத்து காரணமாக சயின்டிஸ்ட்லாம் சக்தி இருக்கிறாங்க. ये वायु पूछ रहे बड़ा बड़ा साइंटिस्ट सभी सत्यु में आएंगे. जो आटम बम सभी बना रहे हैं ना वो सत्यु में आएंगे. जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी सत्यु में आएंगे लेकिन प्रजा बनेंगे. यार साइंटिस्ट अने सत्यु आना प्रजा आगे कभी कभी सहज बाबा का याद आता है, कभी कभी मेरा याद तो टूट जाता है, इसीलिए मैं क्या करना है करके पूछा है. उन्हें सहज याद करना कैसा करके पूछा है. 63 जन्मों में अच्छे कर्म भी किए हैं, कर्म और 63 जन्म में खराब कर्म भी किए. मौसमाना कर्म जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो बढ़िया पुरुषार्थ होता है. पुरुषार्थ जब खराब कर्मों की रील घूमती है तो कितना भी पुरुषार्थ करो
நிச்சயம் இருக்கேன். எப்போது நீங்க மோசமான கர்மங்கள் செஞ்சிருக்கீங்களோ நீங்க எவ்வளவு புருஷார்த்தம் செஞ்சா கூட நீங்க கீழே தான் விழுவீங்க. அந்த ரீல் ஓடும் போது इसलिए जब नीचे गिरने का पुरुषार्थ हो सारा काम धाम छोड़ करके खूब पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। पुरुषार्थ